बच्चे को फोकस्ड रहने में इश्यू आ रहा है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है बच्चे का, तो एक बहुत ही इजी एक्टिविटी है जो हम बच्चों के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इम्पल्स कंट्रोल, वो ब्रेन के किस पार्ट का फंक्शन है? डोर्सो लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। बड़ा ही अजीब सा और बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, बट यस, इम्पल्स कंट्रोल वहां से जो है एक्टिवेट होता है। अगर वो पार्ट वीक है तो बच्चे का इम्पल्स कंट्रोल नहीं रहेगा। साथ ही साथ इम्पल्स कंट्रोल के जो कम होने का रीजन रहता है या फोकस ना कर पाने का रीजन रहता है वो है रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, वेगल वेगल नर्व जो टोन है उसका वीक होना। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी और सिंपल सी एक्टिविटी देखेंगे, एंटी सकेड एक्टिविटी, जिससे बच्चे की हम डोर्सो लेटरल जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट है ब्रेन का उसको एक्टिवेट करेंगे, जिससे इंपल्स कंट्रोल बढ़ेगा और बच्चे का फोकस बढ़ेगा। तो कृष्णा आपको क्या करना है, ये मम्मा के क्या लिखा है नंबर, आपको ये नंबर देखना है। ऑल राइट, अब मम्मा कुछ भी करेगी आपको वहां नहीं देखना। ओके, अब मम्मा बोलेगी लुक एट माय हैंड, एक्टिविटी कर लेना इसलिए, ठीक है? आपको सिर्फ यही देखना है, ठीक है? लुक एट द हैंड दैट विगल्स, इधर ही देखना है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, चलो स्टार्ट अगेन। इस नंबर को देखते रहना, ठीक है? लुक एट द हैंड, लुक एट द हैंड दैट विगल्स, क्रॉस, वेरी गुड, विगलिंग, यस, ये गुड गुड, शाबाश। तो सेकेंड, जिसमें हम दोनों हैंड की ट्रेसिंग के लिए विदाउट नेक मूवमेंट कहते हैं कि इसको ट्रेस करो, इसको ट्रेस करो, एंटी सेकेंड कि बच्चे का फोकस सेंटर पॉइंट पे रहेगा और हैंड को ट्रेस नहीं करना, तो जिससे डोर्सो लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट होगा, बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और जो बच्चे का है इम्पल्स कंट्रोल रहेगा। और इस एक्टिविटी को हम लोगों को किसके साथ परफॉर्म करना है? वेगस नर्व एक्टिविटी और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की, जो भी रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे के, आप उस पर काम करेंगे, इस उसके साथ कंबाइन करेंगे तो बच्चे का इम्पल्स कंट्रोल भी बढ़ेगा, अटेंशन एंड फोकस भी बढ़ेगा। सो दिस इज अ ग्रेट एक्टिविटी, ट्राई इट विद योर किड्स और आप अमेजिंग मतलब रिजल्ट्स देखेंगे और आप देखेंगे कि वाओ दिस इज लाइक अ मैजिक। तो इसको आप दिन में 2 बार कीजिए बच्चों के साथ, 30 30 सेकेंड के लिए, 1 मिनट, जितना बच्चा सस्टेन अटेंशन बढ़ेगी उतना बच्चे का अटेंशन फोकस बढ़ेगा, इंपल्स कंट्रोल बढ़ेगा।